आपको बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड क्रेजीज में। आपने देख लिया है एनिमल का ट्रेलर, आपको कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? थैंक यू सर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो ट्रेलर देख के। उसमें जो है फादर और उसके बच्चे का बॉन्ड काफ़ी अच्छा दिखाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको देखना चाहिए ये मूवी। उसमें जो वो फैमिली का भी अच्छा है, और बॉबी देओल उसमें बहुत टाइम के बाद वापस कम बैक कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा, उनका भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन करी है उन्होंने भी। और एनिमल के लिए रणवीर कपूर ने भी काफ़ी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन करी है, तो काफ़ी अच्छी मूवी है, देखनी चाहिए सबको। अनिल कपूर बाप बने हैं और उनके बेटे बने हैं रणबीर कपूर। हाँ, लेकिन ये प्यार से ज़्यादा कुछ दीवानापन पागलपन लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है? हाँ, उसमें दिखाया गया कि शुरू में अनिल कपूर अपने फैमिली के मतलब अपनी फैमिली को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो बाद में जो है उनको रियलाइज़ होता है शायद कि अपनी फैमिली सबसे बड़ी चीज़ है। तो रणबीर कपूर को उनसे बहुत बहुत चाहत मोहब्बत होती है अपने फादर से, तो उसमें वो दिखाते हैं कि बाद में कैसे उनको रियलाइज़ होता है ऐसा। लास्टली एक सवाल पूछूंगा, संदीप वांगा रेड्डी का डायरेक्शन कैसा लग रहा है, जिसने कबीर सिंह बनाई? डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है सर उनका, तो पहले भी कबीर सिंह का मूवी का भी डायरेक्शन बहुत अच्छा है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी डायरेक्शन है। उसमें एक्शन सीन्स वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, और शूटिंग भी कभी अलग अलग प्लेस पे की है, काफ़ी अच्छा है। आपको इससे कंपेयर तो होगा, जैसे KGF, पुष्पा, उस तरह का लेवल है क्या? हाँ, लेवल है, क्योंकि उसमें जो एक्शन दिखाया है काफ़ी अच्छा है, टॉप लेवल का एक्शन है, वो मशीन गन वगैरह उसकी डिस्ट्रक्शन है, गाड़ी वगैरह काफ़ी अच्छा है। गूज़बम्स आए देख के, क्योंकि उनको फादर और जो उस बच्चे का बॉन्ड दिखाया काफ़ी अच्छा दिखाया सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, वेलकम सर। ठीक है, आपको ट्रेलर अच्छा लगा तो इसकी रेटिंग क्या रहेगी? सर उसको 5 में से मैं 3 दे दूंगा, एक तो इम्प्रूवमेंट के लिए रखता है, 3 दे दूंगा सर। थैंक यू सो मच सर।